कमीशन ले रहे हैं जिला अधिकारी, सीधे विधायक ने कहा है, यानी शासन और प्रशासन सीधे आमने सामने हैं। गेहूं खरीद में कमीशन ले रहे हैं जिला अधिकारी। डीएम कार्यालय के सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, जितने भी कर्मचारी हैं भ्रष्ट हैं। और अब ये विधायक सही कह रहे हैं या इनकी कोई पर्सनल खुन्नस है, ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जिला अधिकारी को कहा और जिला अधिकारी के साथ साथ ये भी कह दिया कि जिला अधिकारी के कार्यालय से जितने लोग संबद्ध हैं वो सारे भ्रष्टाचारी हैं, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सुशील कुमार मौर्य जिला अधिकारी हैं इस वक्त। 10 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन लिया जा रहा है और विधायक ये बात डंके की चोट पे कह रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि अगर किसानों के साथ कोई ऐसा कर रहा है तो छोड़ा नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये छोड़ दिए जाएंगे? आइए, सुशील मौर्य सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, यहां तो विधायक ने सीधा मोर्चा खोल दिया एडीएम के खिलाफ, पूरा सबूत दे रहे हैं कि 10 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसानों को लूटा जा रहा है, अवैध खनन हो रहा है। जो सुशील कुमार मौर्य बस्ती के डीएम है, इनके ऊपर लगातार आरोप लगे हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने बीसी के दौरान इन आरोपों में सच्चाई कितनी है? सच्चाई की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं वह सही है, कहीं ना कहीं इसकी शिकायत उच्च स्तरीय भी हुई है जिसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और बीसी के दौरान इनकी जमकर क्लास भी लगाई। और विधायक ने जो इनके खिलाफ मोर्चा खोला है तो लगातार विधायक के पास इसकी शिकायतें पहुंच रही हैं और विधायक ने अपने पैर पे इनकी शिकायत भी की और मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिलके भी विधायक ने सारी बातों से अवगत कराया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और इनपे कार्रवाई की गई थी। लेकिन फिर भी कार्रवाई के बावजूद डीएम जस के तस बने रहे, उनपे मुख्यमंत्री की कार्रवाई का कोई भी प्रभाव नहीं दिखा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री का प्रभाव अनुज कह रहे हैं कि बस्ती में नहीं दिखा और विधायक भी तो यही कह रहे हैं कि जिला अधिकारी उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। सीएम ने डीएम को वीसी पर जमकर फटकारा था, सुशील मौर्य को अवैध खनन कराने पर फटकारा था। सीएम योगी डीएम सुशील की कार्यशैली से नाराज है। अब देखिए, सीएम नाराज है लेकिन डीएम तो अभी भी बने हुए हैं और अब तो विधायक को भी शिकायत हो गई। रुदौली से बीजेपी के विधायक हैं, वो सबूत दे रहे हैं बकायदा, वो कह रहे हैं 10 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को ठगा जा रहा है, उनसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक ने जिला अधिकारी के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया है। संजय जायसवाल ने सुशील मौर्य पर आरोप लगाया। संजय जायसवाल विधायक हैं, गेहूं खरीद में कमीशन ले रहे हैं जिला अधिकारी सुशील कुमार मौर्य पर यह आरोप है। डीएम कार्यालय के सभी कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्ट हो चले हैं, 10 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन लिया जा रहा है। विधायक ने ये बात बड़े सीधे बोल दी है। आइए, सुशील मौर्य सरकार को बदनाम कर रहे हैं, विधायक ने इस बात का भी जिक्र किया। इसके साथ ही साथ डीएम ने खनन माफियाओं से 10 लाख मांगा है। डीएम जिले में अवैध बालू खनन करा रहे हैं और ये देखिए, ये पहलू भी समझिए जरा कि सीएम इन्हीं जिला अधिकारी को फटकार लगा चुके हैं। दो चीजें विधायक ने कही है जो नोट करने वाली बात है। पहली चीज, किसानों से 10 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और जो अवैध खनन कर रहे हैं उनसे रंगदारी कह सकते हैं आप, इसे सीधे कह सकते हैं 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले का मामला है। हमले में शहीद हुए अर्जुन राज